नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो टॉप शेयर है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए काफ़ी बेहतरीन शेयर है, उस शेयर के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में हम उसके टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे वीडियो में हमने फंडामेंटल एनालिसिस देखा है, लॉन्ग टर्म चार्ट देखा है। इस वीडियो में हम उसके लेवल्स और टारगेट को जानेंगे, क्या सपोर्ट हो सकता है, क्या रेसिस्टेंस हो सकता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे किस लेवल पर आपको एंट्री होनी चाहिए। जो टेक्निकल एनालिसिस है वो बताता है कि किस वैल्यू पर आपको एंटर करना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से मतलब होता है एक साल से अधिक के लिए शेयर आप होल्ड करते हैं। अगर आपका काफ़ी लॉन्ग है, मतलब 10 साल के लिए, या आप सोचते हैं कि कभी हम इसे सेल करेंगे ही नहीं जब तक कंपनी होगी, तो ऐसे वालों के लिए कभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो वैसे व्यक्ति हैं कि हम 10 साल के लिए या उससे अधिक समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो उनके लिए कोई भी शेयर प्राइस मायने नहीं रखता। वो किसी भी शेयर प्राइस पर इन्वेस्ट करते हैं, प्राइस नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। कंपनी का फंडामेंटल्स जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ होनी चाहिए। तो दो चीज़ें देखना है, कंपनी का फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, कंपनी में ग्रोथ होनी चाहिए। इन दोनों बातों को देख करके आपको बाइंग करना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला शेयर जो हमारा सब मार्केट में काफ़ी चर्चा रहता है, रिलायंस का। तो दोस्तों, रिलायंस के शेयर में काफ़ी ज़्यादा आपको व्यू मिलेंगे, ऐसे डाउनग्रेड किया जा रहा है इस ब्रोकर के द्वारा इतना नीचे आएगा। तो दोस्तों, जो भी डाउनग्रेड करे, जो भी करे, लेकिन एक न्यूज़ सारे लेवल्स और टारगेट को बदल देता है, याद रखिएगा। यहाँ पर जब गिरावट आया था तो रिलायंस देख लीजिए हो गया था 875 रुपीज तक आ चुका था। तो वहां पर कोई भी ब्रोकर्स का टारगेट ये नहीं था कि ये 2000 जाएगा, लेकिन क्या हुआ, क्या न्यूज़ आया, जियो में जो इन्वेस्ट करने जा रहा है फेसबुक, उसके बाद एक पर एक कई सारे इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट किए। उसके बाद आप टारगेट तो यहाँ पर देख सकते हैं, अभी इसका करेंट प्राइस है 2146। कोई भी ब्रोकर्स ऐसा टारगेट आपको नहीं बताया होगा, इसलिए याद रखिए। जिस तरह से जियो मार्ट में इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, अगर जियो मार्ट में इन्वेस्ट करता है अमेजोन, तो फिर इसका टारगेट आप समझ सकते हैं कि 3000 से नीचे नहीं हो सकता है। तो सारा जो आपको टारगेट लेवल्स बताए जाएंगे, सारा न्यूज़ के सामने फेल हो जाता है। तो यहाँ सबसे पहला जो सपोर्ट बनेगा, नीचे जो सपोर्ट बनेगा वो है 2000, जहाँ से ये प्राइस देखते हैं। सबसे पहला जो लोअर वैल्यू है जहाँ से प्राइस टर्न हुआ है वो है 2000। तो अगर आप कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मार्केट में कोई बड़ी गिरावट नहीं आती है, मार्केट में गिरावट आती है तो ये शेयर भी गिरेगा, तो 2000 पे आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए, दूसरा जो सपोर्ट लेवल इसका बनता है वो है 800 के 10 रुपीज़ ऊपर कह दीजिए, 10 रुपीज़ नीचे कह दीजिए, तो 800 इसका दूसरा सपोर्ट बनता है। और ये पहले रेसिस्टेंस भी था, यहाँ पर देख लीजिए, तो ये सारा रेसिस्टेंस कुछ नहीं, ये तो न्यूज़ बेस्ड था, कंपनी का शेयर जो लगातार ऊपर चलते रह गया। तो 800 दूसरा सपोर्ट लेवल है, और उसके बाद हम इसके नीचे बात ही नहीं करेंगे, इसके नीचे इसका कोई सपोर्ट लेवल नहीं बनता है। मतलब इस में न्यूज़ आया तो ये प्राइस आपको जो 2000 है वो 3000 होता हुआ भी दिखेगा। तो इन सब बातों को याद रखिएगा। ये हो गया हमारा रिलायंस, जिसमें आपने सपोर्ट देख लिया। अगर मार्केट में बड़ी गिरावट आती है जैसा कि पहले आया, तब तो ये स्टॉक्स आपको 1200 पे भी मिल सकता है। ऐसे बहुत कम उम्मीद रखिएगा कि अब 1200 ये मिलेगा, 1500-1800 पर मिल सकता है अगर मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आती है, बड़ी करेक्शन आती है। उसके बाद दूसरा है हमारा इन्फोसिस। तो इसमें हम कई सारी ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे, इसमें कोई भी स्मॉल कैप स्टॉक्स शायद नहीं होगा, सारे के सारे लार्ज कैप स्टॉक्स ही होंगे। तो आप देखिए इन्फोसिस जैसे रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आया, यहाँ पर देख सकते हैं ये डायरेक्ट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, गैप अप, ये गैप भी बीच का नहीं भरा गया। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो नीचे आएगा, यहाँ गैप भरेगा, तो इन सब बातों में नहीं रहिएगा। अगर मार्केट अच्छा बना रहा, मार्केट ऊपर चलता रहा, तो IT कंपनियाँ काफ़ी अच्छा कर रही है, तो ये फिर आपको नीचे देखने नहीं भी मिल सकता है। अगर इसके मतलब सपोर्ट की बात करें, तो पहला तो आपको जो 900 इसका सपोर्ट है, 900 पर आ जाए तो वही काफ़ी है, बिना मार्केट के करेक्शन के या रिजल्ट जब तक गड़बड़ नहीं हो जाता है, तो कोई निगेटिव बिना न्यूज़ के इसमें आपको करेक्शन जो 900 के नीचे होता हुआ नहीं मिलेगा। तो काफ़ी बेहतरीन शेयर है। इसका शेयर को हमने जब इसमें यहाँ पर 700 के आसपास था, तो कई बार वीडियो बनाया था, कई बार हमने बताया था कि इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये 850 तक आराम से जाएगा। ये तो 850 छोड़िए, ये 951 पहुँच चुका है, आप कुछ दिन में ये 1000 भी पहुँच जाएगा। तो ये काफ़ी बेहतरीन शेयर है।
इसका सपोर्ट आपने देख लिया 900 पहला सपोर्ट है। अगर काफ़ी मेजर करेक्शन आता है, कब रिजल्ट गड़बड़ हो जाए, मार्केट में काफ़ी करेक्शन आ जाए, तो फिर ये आपको 700 तक आ सकता है। अगर मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन हो, 700 के नीचे आप कभी उम्मीद नहीं कीजिएगा, क्योंकि अब हर कोई जान गया कि जो फार्मा के स्टॉक्स है, जो आईटी के स्टॉक्स हैं, ये स्टॉक्स गिरावट में भी अच्छा करेंगे। तो जिसके बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो काफ़ी बड़ा भी करेक्शन मार्केट में आ जाए तो इसमें कोई बड़ा करेक्शन नहीं हो सकता। आपको 100 रुपया 200 रुपया हो जाए, बहुत बड़ा करेक्शन वही हो गया इसके लिए, क्योंकि इसके बिजनेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जैसे करेक्शन होता था, हर कोई इसी स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा, फार्मा और आईटी, इन सब स्टॉक्स में, एग्रीकल्चर के जो स्टॉक्स है, केमिकल सेक्टर के जो स्टॉक है। अगला है हमारा एचडीएफसी बैंक। इसमें आपको काफ़ी गिरावट देखने मिल सकता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर काफ़ी प्रभावित हो रही है, एनपीए का जो नंबर्स है वो काफ़ी बढ़ने वाला है, तो ये स्टॉक्स आपको गिरावट में मिल सकता है। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा 1150 का हाई बनाया, वहाँ से फिर से इसमें करेक्शन मिला और अभी आपको 1044 रुपीज़ पे मिल रहा है। तो इन सब स्टॉक्स में आपको करेक्शन देखने मिल सकता है, बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक में, फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक में। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये अभी आ चुका है आपको 1044, तो 1000 पर तो ये इजीली आ जाता है। दूसरा जो इसका सपोर्ट बनता है वो है 950 रुपीज़, इसका जो है सबसे मेजर सपोर्ट होगा 950 रुपीज़। तो 950 रुपीज इसका दूसरा मेजर सपोर्ट होगा, पहला तो 1000 है ही, 1000 इसका पहला सपोर्ट है, दूसरा इसका सपोर्ट बनेगा 950 के नीचे तभी आएगा जब आपको मार्केट में काफ़ी बड़ा करेक्शन देखने मिले, मार्केट में ही करेक्शन आ जाए, पूरे गिरावट आ जाए। अगर रेसिस्टेंस की बात करें तो इसका रेसिस्टेंस भी है ऊपर, ये 1100 के ऊपर क्रॉस करता है, वहाँ सस्टेन नहीं कर पा रहा, 1100 को क्रॉस कर रहा है लेकिन वहाँ पर ठहर नहीं पा रहा। अगर यहाँ पर ठहर गया कुछ दिन, तो फिर आपको ये ऊपर का मोमेंटम, 1200 का मोमेंटम दिखा सकता है। 1100 के ऊपर ये टिक गया, तो टिकने के बाद फिर आपको 1200 या उसके ऊपर का मोमेंटम दिखा सकता है। तो ये बात को याद रखिएगा कि जैसे 1100 के ऊपर गया, अगर वहाँ गया, टिक गया, तो वहाँ का जो मोमेंटम होगा फिर 1200 से ऊपर का होगा। उसके बाद अगला है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, लेकिन जैसा कि फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर काफ़ी प्रभावित रहने वाला है, तो इसके कारण इस पर आपको काफ़ी इफेक्ट देखने मिल रहा है। तो इसका जो सपोर्ट बनता है, देख सकते हैं यहाँ पर 3100, 3200, ये इसका मेजर सपोर्ट है। इस सपोर्ट को तोड़ता है तो फिर आपको 2800 पर आपको ये आता हुआ देखने मिलेगा। अब मार्केट में फिर से करेक्शन आए तब तो फिर आपको 2500 पर देखने ये मिल सकता है। लेकिन जितना पे भी मिले, ये स्टॉक नीचे गिरावट में मिलता है तो ज़रूर आपको इन्वेस्ट करने चाहिए, क्योंकि इसमें रिकवरी भी उतनी ही फास्ट होगी जितनी मतलब इसमें गिरावट होती है। तो जैसे हमारा जो भी इसका फाइनेंस सेक्टर को प्रभावित करने वाले केस हैं, एनपीए बढ़ेगा, मॉरेटोरियम का जो ड्यूज है वो बढ़ेगा, तो इन सब चीज़ें थोड़ा इफेक्टेड होगा। तो रिजल्ट जब भी इफेक्टेड होता है, जैसा कि इफेक्टेड इस क्वार्टर में भी हुआ, अगले क्वार्टर में भी होता है, तो निश्चित है कि इसमें करेक्शन आपको देखने मिल सकता है। तो इसमें थोड़ा सा नीचे आ सकता है, ऊपर तो इसका अनलिमिटेड है, ऊपर इसकी कोई मतलब ऊपर का जो आप लिमिटेड करेंगे वो लिमिटेड नहीं है। अगर रिजल्ट अच्छा आ जाता है तो फिर समझिए ये 5000 को रीच करने में कोई विलंब नहीं करेगा। रिजल्ट अगर बेहतर आ गया, जो मार्केट का एक्सपर्ट इससे एक्सपेक्टेशन रखता है, उसको बीट कर दिया एस्टीमेट को, तो फिर ये आपको ऊपर जाते हुए 5000 तक कोई देरी नहीं करेगा, कुछ ही ट्रेडिंग डे में ये 5000 को क्रॉस कर जाएगा। तो इसका सपोर्ट आपने जान गया, 3100 पहला सपोर्ट है, दूसरा 2800 और ऊपर तो इसका अनलिमिटेड है। ऊपर इसमें जैसे ये क्रॉस करेगा, यहाँ से जैसे क्रॉस करेगा तो 4000 पहला टारगेट होगा, उसके बाद 5000। उसके बाद अगला स्टॉक है हमारा HDFC AMC। ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ये भी फाइनेंस सेक्टर से है। ये स्टॉक्स काफ़ी प्रभावित है, देख सकते हैं लगातार इसमें करेक्शन आपको देखने मिल रहा है। इसमें जो OFS है, ऑफर फॉर सेल है, वो भी 2371 या 62 ऐसे कुछ प्राइस था OFS का, वहाँ पर ये प्राइस आपको आता हुआ दिख रहा है, देख सकते हैं। ये बार बार इस प्राइस पर आता है, यहाँ से जंप करता है, बार बार इस 2400 के आसपास आता है, यहाँ से जंप करता है। अब की बार ये नीचे थोड़ा सा सस्टेन कर गया है, 2400 से नीचे सस्टेन कर गया, तो हो सकता है इसमें एक गिरावट आए आपको, यहाँ से आपको एक गिरावट आता हुआ देखने मिल सकता है। तो पहला टारगेट हमारा होगा 2200, और सबसे जो हमारा इसका और ज़्यादा गिरावट आती है तो 2000 इसका मेजर सपोर्ट होगा। तो यहाँ तक का हमारा मेजर सपोर्ट होगा 2000 इसका।
तो अगर यहाँ से गिरावट आता है तो आप इसमें जो है SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट में ही साथ साथ करेक्शन आ जाए तब तो ये स्टॉक्स आपको 2000 के नीचे भी मिल सकता है, लेकिन जब भी मिले तो छोड़ना नहीं है, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगा, रिजल्ट इस क्वार्टर में भी काफ़ी बेहतरीन था, ये स्टॉक्स आगे काफ़ी बेहतरीन करने वाला। इसमें टारगेट की बात करें, ऊपर इसका जो टारगेट होगा, सबसे पहला टारगेट अगर 2800 को ये क्रॉस कर जाता है, 2800 को क्रॉस कर जाएगा तो अगला जो टारगेट बनेगा इसका 3400 पहला टारगेट होगा। अगर 2800 को क्रॉस करता है फिर 4000 होगा, फिर उसके बाद 4000। तो इसका लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, लॉन्ग टर्म में इसका टारगेट काफ़ी ऊपर है, तो इन सब बात को आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा स्टॉक है IRCTC में आपको कोई मोमेंटम ही देखने नहीं मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर पहले ये 1400 के आसपास ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा था, अब ये 1300 इसके आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें ना तो अपसाइड मोमेंटम देखने मिल रहा है ना तो डाउन साइड। तो ये स्टॉक्स न्यूज बेस्ड है, न्यूज जैसे आ गया कि हमारा सिचुएशन नॉर्मल होगा, जो ट्रेन है वो नॉर्मल रूप से चलने लगेगा, तो जैसे ये न्यूज आएगा तो फिर ये स्टॉक्स का आप टारगेट तो जानते ही, पहला टारगेट 2000 रुपीज़ है जैसे न्यूज आ जाता है कि ट्रेन नॉर्मल रूप से चलेगी, तो ये बात याद रखिएगा। इसका नीचे का सपोर्ट का बात करें तो नीचे जो सपोर्ट है 1200 इसका 1200 मेजर सपोर्ट है, इस सपोर्ट को तोड़ता है तभी आपको 1000 जाता हुआ दिखेगा, नहीं तो 1200 इसका मेजर सपोर्ट है। अगर ये 1300 के लेवल से नीचे आता है तो उस लेवल पे तो अभी ये है ही, तो नीचे के सपोर्ट की बात करेंगे। अगला है हमारा पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, फेविकॉल आपने देखा होगा, तो बिजनेस काफ़ी मोनोपोली वाला है क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स मार्केट को लीड करते हैं, मार्केट में काफ़ी वैल्यू है इसके प्रोडक्ट का, तो ये भी स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है। और ये स्टॉक्स अपने जो सपोर्ट लेवल पे खड़ा है, अभी देखते हैं अपन इसका जो सपोर्ट लेवल है 1300 इसके आसपास आकर के ये अभी देखते हैं मोमेंटम दिखाया, 1300 इसके आसपास आके मोमेंटम दिखाया। अगर इसके हाईएस्ट प्राइस की बात करें तो 1700 इसका हाईएस्ट प्राइस था, तो अभी भी आपको 400 डिस्काउंट पे ये स्टॉक्स मिल रहा है, और जो गिरावट आया था उस समय भी ये स्टॉक्स कुछ खास नीचे नहीं गया था, 1200 तक गया था, मात्र 1200 तक। अभी भी 1300 पर ये स्टॉक्स आपको मिल जाता है, क्योंकि अगर दो दिन करेक्शन आता है तो ये आपको 1300 पे ये स्टॉक्स मिल जाएगा, जो कि इसका मेजर सपोर्ट लेवल है 1300। अगर ये 1300 के लेवल को कभी ब्रेक करता है तब आपको ये 1200 पर ये स्टॉक्स मिल सकता है। बिना मार्केट में करेक्शन के ये स्टॉक्स आपको 1300 के लेवल को तोड़ता हुआ कभी नहीं मिलेगा, तो जब भी आपको मौका मिले तो 1300 लेवल के प्राइस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट होगा 1450, फिर जो हमारा इसका टारगेट होगा वो होगा 1550, और 1550 के ऊपर जब क्रॉस करता है तो फिर ये एक बड़ा मोमेंटम आपको दिखा सकता है। तो ये थे इसके लेवल्स और टारगेट। अगला है हमारा जुबिलेंट फूड, दोस्तों काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है, ये स्टॉक्स देखते हैं रिकवरी कितनी फास्ट, जबकि बिजनेस पूरी तरह से बंद था, लॉकडाउन था पूरे देश में, तो बिजनेस काफ़ी प्रभावित, उसके बाद इस स्टॉक में देखते हैं काफ़ी मोमेंटम, कभी स्टॉक में लगा ही नहीं कि गिरावट आया है, यहाँ से जो गिरावट आई है वहाँ से उतना ही मोमेंटम, और अपने ऑल टाइम हाई पे पहुँच चुका है ये स्टॉक्स, देखते हैं और अपने ऑल टाइम हाई पे। तो इसका यहाँ से अगर हम बात करें सपोर्ट का, तो सबसे पहला जो सपोर्ट बनता है वो 1700 इसका पहला मेजर सपोर्ट है, अगर इस सपोर्ट को कभी तोड़ता है तभी आपको 1600 पर ये मिल सकता है। लेकिन ये स्टॉक्स फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग्स हैं, इतना स्ट्रॉन्ग है ये स्टॉक्स, आपको कभी भी नीचे के प्राइस पर जल्द मिलने वाला नहीं है, जब तक कि मार्केट में करेक्शन ना आ जाए। तो मार्केट में करेक्शन आता है तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें। और टारगेट की बात करें तो पहला जो टारगेट होगा हमारा 2000 रुपीज़ का होगा, इसमें पहला टारगेट 2000 रुपीज़ के ऊपर जाता है तो काफ़ी मोमेंटम आपको ये दिखा सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। उसके बाद अगला स्टॉक से हमारा एशियन पेंट, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, ये अपना देख सकते हैं अभी ब्रेकआउट पे निर्भर है, ये अपने ब्रेकआउट के प्राइस पर पहुंच चुका है, यहाँ से अगर ये तेज़ी दिखाता है तो फिर इसका जो प्राइस होगा वो अभी देखते 800 पे है, यहाँ से ब्रेकआउट दिखेगा तो आपको 1900 से ऊपर गया तो फिर ये 2000 रुपीज़ को पार कर जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं काफ़ी बड़ा कैंडल है, एक दिन में आप यहाँ पर देख लीजिए काफ़ी तेज़ी देख, 1725 रुपीज़ से डायरेक्ट 1800 को क्रॉस कर गया, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है ये, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। और इसका भी एशियन पेंट जो है मार्केट को लीड करता है, मार्केट में प्रोडक्ट का काफ़ी डिमांड है,
और इसका जो मेजर सपोर्ट आपने देख लिया 1700 इसका पहला मेजर सपोर्ट है, उसका बाद आपको 1600 तो यहाँ पर 1500 भी आया था जब इसका क्वार्टर के रिजल्ट काफ़ी प्रभावित हुए थे, लेकिन ये 1500 के लेवल को कभी नहीं तोड़ा। इस पैंडमिक में जो गिरावट आया था इसके बाद छोड़ दीजिए, इस गिरावट में सारे स्टॉक्स गिरे थे मार्केट के साथ, तो मार्केट में गिरावट आता है तो अभी भी ये स्टॉक्स आपको 1500 पर मिल सकता है, अदरवाइज ये आपको 1500 पर जल्दी देखने नहीं मिलेगा जब तक कि क्वार्टर के रिजल्ट काफ़ी प्रभावित ना हो। तो इसका 1700 पहला सपोर्ट लेवल है, इसके आसपास मिलता है तो आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद है कैडिला हेल्थ केयर। फार्मा सेक्टर में कई सारे स्टॉक्स हैं जैसे आरती ड्रग्स, कई सारे स्टॉक लुपिन, सिप्ला, कई सारे स्टॉक्स हम आपको बताते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका जो यहाँ पर ब्रेकआउट था, यहाँ पर देख लीजिए ये ब्रेकआउट 20 अप्रैल को यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, ये 253 रुपीज़ से डायरेक्ट पहुँच गया था ये स्टॉक्स 374 समझते हैं 150 पॉइंट का जंप, और वहां से ये फिर कंसोलिडेटेड होता गया, देखते हैं कंसोलिडेशन चला और यहां से फिर से ये ब्रेकआउट दिया है मात्र अभी देखते हैं 30 जुलाई को यहां से ब्रेकआउट दिया है फिर। तो ये इसका मेजर सपोर्ट है और अगर ये नीचे आता है तो ऐसे यहां पर धीरे धीरे ये कंसोलिडेट कर रहा है, फिर से यहां पर आपको एक मोमेंटम ये दिखाएगा, यहां से अगर मोमेंटम दिखाया तो फिर ये आपको नीचे के प्राइस पर नहीं मिलेगा, क्योंकि फार्मा स्टॉक्स आगे एक दो साल तक और परफॉर्म कर सकता है। तो ऊपर टारगेट जो है इसका अनलिमिटेड है फार्मा सेक्टर काफ़ी, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी में है फार्मा सेक्टर, तो एक दो साल तक में आपको इसका प्राइस डबल होता हुआ देखने मिल सकता है। अगर गिरावट आता है तो 360 इसका मेजर सपोर्ट होगा। उसके बाद आता है SBI कार्ड, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, इस स्टॉक को बाय करने से हम भी चूक गए। ये स्टॉक्स देखते हैं 500 पर आ चुका था, यहाँ पर 500 रुपीज़, तो समझ सकते हैं कितना बेहतरीन स्टॉक है, 500 रुपीज़ पे ये स्टॉक्स मिल रहा था, अभी देख लीजिए 755 रुपीज़ पर पहुँच चुका है, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। तो ये देखते हैं ऊपर गया, फिर थोड़ा सा गिरावट आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा गिरावट, फिर ऊपर गया, थोड़ा सा गिरावट, फिर नीचे आया थोड़ा सा, फिर देख सकते हैं मोमेंटम, और ये 800 रुपीज़ को भी क्रॉस कर चुका है। तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, आने वाले समय में ये काफ़ी बेहतरीन करने वाला है। तो ये स्टॉक्स कभी भी आपको अब नीचे गिरावट में मिलता है तो आप बाय कर सकते हैं, कितना गिरावट होगा वो मार्केट पे निर्भर करता है, मार्केट में गिरावट आएगा तो इसमें आएगा, अदरवाइज आपको गिरावट इसमें देखने नहीं मिलेगा। टारगेट की बात करें, पहला 1100 इसका टारगेट है, 1100 इसका पहला टारगेट है, अगर मार्केट नॉर्मल होता है, इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा चलने लगता है, 1100 पहला टारगेट होगा। लॉन्ग टर्म में इसका टारगेट काफ़ी आगे, मतलब ये 2000 रुपया भी जा सकता है आपको लॉन्ग टर्म में। अगला हमारा स्टॉक्स है भारतीय एयरटेल। दोस्तों भारतीय एयरटेल ये देख सकते हैं, ये स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा इसी प्राइस पर मूव कर रहा है, इसी प्राइस पर ऊपर जाता है नीचे आता है, पहले ये रेसिस्टेंस हुआ करता था इसका, इसको क्रॉस नहीं कर रहा था, जब यहाँ से क्रॉस किया ब्रेकआउट दिया तो अब देख सकते हैं ये सपोर्ट लेवल इसका बन गया है, यहाँ पर आता है, यहाँ से फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आज ये जो गिरावट दिखाया था वो 559 रुपीज़ तक गिरावट दिखाया था। इसमें गिरावट आते रहता है तो आप कभी भी गिरावट में ये मिलता है तो आप इसमें बाय कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है भारतीय एयरटेल, आपको अभी ठीक ठाक प्राइस पर मिल रहा है तो अभी आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप गिरावट का वेट करते हैं तो अगर इसमें कभी और गिरावट आता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है, ये भी आपको 550 रुपीज़ इसका जो है यही रेंज है अभी फ़िलहाल के लिए, 550 रुपीज़ इसी के आसपास आपको मिलेगा। तो ये भी यहाँ से ब्रेकआउट दिखाता है तो काफ़ी आगे मोमेंटम है, 600 पहला टारगेट होगा, 700 दूसरा टारगेट, और ये अपने सपोर्ट प्राइस पर मिल रहा है, अगर 500 के लेवल के सपोर्ट को तोड़ता है तो इसमें काफ़ी कलेक्शन भी आपको देखने मिल सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं वॉल्यूम काफ़ी बढ़ा है इस स्टॉक में, मतलब काफ़ी ज़्यादा बाइंग हो रहा है इस स्टॉक में, देख सकते हैं वॉल्यूम काफ़ी बढ़ चुका है, तो इस बात को याद रखिएगा, अब ये कभी भी ब्रेकआउट दे सकता है क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी बढ़ चुका है। उसके बाद अगला है डीमार्ट। डीमार्ट का रिजल्ट काफ़ी ख़राब आया है जिसके कारण आप इसमें देखते हैं 2300 पर ये स्टॉक्स यहाँ पर सपोर्ट बना के रखा था, वो सपोर्ट ब्रेक हो गया एक ही दिन जैसे रिजल्ट ख़राब हो गया, और ये आ गया 1986 रुपीज़ पर, और वहाँ से थोड़ा सा रिकवरी देखने मिला। इस स्टॉक का जो सबसे मेजर सपोर्ट है वो 2000 है, अगर आगे के क्वार्टर के भी रिजल्ट काफ़ी ख़राब आते हैं तो निश्चित है कि ये स्टॉक्स आपको 2000 रुपीज़ से नीचे भी जाता हुआ देखने मिलेगा, लेकिन फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, 2000 के जैसे नीचे
नीचे जाता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्टॉक में मोमेंटम अब आपको ऊपर का तभी मिलेगा जब इसके किसी और क्वार्टर के रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आते हैं या कहीं पूरी तरह से सिचुएशन नॉर्मल हो जाता है। तो इसका जो टारगेट का होगा पहला 2500 और जो अगला टारगेट होगा 3000, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। उसके बाद अगला है हमारा HDFC लाइफ, ये भी काफ़ी बेहतरीन है। अब ये निफ्टी 50 का भी पार्ट बन चुका है तो काफ़ी सारे मतलब इंडेक्स में इस स्टॉक को शामिल किया गया है। तो ये भी स्टॉक देखते हैं, गिरावट में ये स्टॉक्स आपको 360 रुपीज़ पर मिल रहा था, अभी ये 600 रुपीज़ पर मिल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें गिरावट आ रहा है, कंसोलिडेटेड हो रहा है। तो यहाँ पर आप ये जो भी सपोर्ट बनाता है उस सपोर्ट लेवल पर आप इसे बाय कर सकते हैं या इसमें आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। ये आपको 500 के आसपास ये स्टॉक्स आपको मिल जाएगा, 500 के आसपास इसका सबसे मेजर सपोर्ट है। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो आपको 500 के आसपास के प्राइस पे ये स्टॉक मिल सकता है। उसके बाद अगला है हमारा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। दोस्तों ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, ये देख सकते हैं गिरावट में 227 रुपीज़ पर मिल रहा था, अभी ये आपको 517 रुपीज़ पर मिल रहा है। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ी, आज भी देखते हैं काफ़ी तेज़ी। कल भी हमने ये स्टॉक्स को बताया था कि इस स्टॉक में काफ़ी तेज़ी है, आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है, टाटा का मतलब टाटा ग्रुप का स्टॉक्स है और कंज्यूमर सेक्टर का ये स्टॉक है। तो काफ़ी FMCG सेक्टर के स्टॉक बेहतरीन होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, उसमें काफ़ी यहाँ पर देखते हैं जैसे ये ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ वॉल्यूम काफ़ी बढ़ गया है। तो ये ब्रेकआउट जो वॉल्यूम के साथ है तो ये आगे आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। तो आप इसमें चाहे तो पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो इसका आगे का टारगेट कोई नहीं बता सकता क्या टारगेट होगा, लेकिन अगर सपोर्ट की बात करें तो इसका 400 सपोर्ट जो है इस प्राइस पर आपको मिलना आपको मुश्किल है जब तक कि मार्केट में गिरावट ना आए। तो ये आपको मार्केट के अनुसार ही आगे का मोमेंटम दिखाएगा और पीछे का मोमेंटम, तो मार्केट पे ध्यान रखिए। दोस्तों ये सारे स्टॉक्स थे जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, साथ साथ शॉर्ट टर्म के लिए भी आप इसमें लगा सकते हैं रुपया और इसमें शॉर्ट टर्म में भी आप रिटर्न कमा सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।